शिमला स्वीट्स की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य से शिमला स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट सर्वोदय चौराहा बीना। टेलीकॉम मोबाइल सेल्स एंड सर्विस दिवाली के खास अवसर पर मोबाइल एंड स्मार्ट टीवी आपके शहर में सर्वोदय चौराहे पर एक बार अवश्य पधारें। बासु टेलीकॉम। अग्रवाल मिष्ठान भंडार की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य से अग्रवाल मिष्ठान भंडार सर्वोदय चौराहा बीना। दिवाली धमाका, अपना मनपसंद फर्नीचर खरीदे और पाए एक आकर्षक इनाम। आज ही बुक करें अपना मनपसंद फर्नीचर मारुति फर्नीचर एंड डेकोरेटर्स, खुरई रोड मैदा मिल इंडस्ट्री एरिया बीना। नमस्कार, मैं हूं अशफाक अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ हंटर्स। बीना के समाधान हॉस्टल में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते मेडिकल स्टोर में लगी लाखों की दवाइयां जलकर खाक हो गईं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए नगर पालिका प्रशासन के पास क्या इंतजाम मौजूद हैं। वर्तमान में नगर पालिका प्रशासन के पास 2 फायर ब्रिगेड मौजूद हैं जो कंडम हालत में हैं, जो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार नहीं हैं। ना कर्मचारियों के पास कोई सेफ्टी के इंतजाम है जो अपने आप को सुरक्षित कर सकें। कुल मिला के कर्मचारियों की सुरक्षा भी भगवान भरोसे। दरअसल में बीना के वीर सावरकर वार्ड में स्थित समाधान हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। गनीमत यह रही कि दीपावली के त्यौहार के चलते हॉस्पिटल बंद था, जिसकी वजह से कोई जनहानि नहीं हो सकी। सूचना मिलते ही पुलिस बल सहित नगर पालिका से फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई, लेकिन मौके पर फायर ब्रिगेड के खराब होने के चलते पानी नहीं निकला, जिसके बाद नाराज लोगों ने बाल्टियों से आग बुझाने की कोशिश की। नगर पालिका की इन खराब फायर ब्रिगेडों ने नगर पालिका प्रशासन पर कई सवालिए निशान खड़े कर दिए हैं। नगर पालिका की दोनों फायर ब्रिगेड कंडम हालत में है, जो किसी बड़ी दुर्घटना से निपटने के लिए तैयार नहीं है। ना ही नगर पालिका कर्मचारियों के पास अपनी सेफ्टी के इंतजाम है। फिलहाल दूसरी फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन मेडिकल स्टोर में रखी लाखों की दवाइयां जलकर खाक हो गई। फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगा रही है। लगभग 3:15 बजे हमारे पास सूचना आई। मैं अपने पेट्रोल पंप पे बैठा हुआ था। मैं वहाँ से अपने फायर वाटला लेके यहाँ पे आया और आग लगे लगभग 3 के पहले आग लगी हुई थी। यहाँ के लोगों ने नगर पालिका को सूचना दी, लेकिन 4:15 बजे तक यहाँ कोई भी फायर ब्रिगेड नहीं आई। जो पहली फायर ब्रिगेड आई उसने अपना सिस्टम खोला, सारा कुछ किया, लेकिन उसमें पानी नहीं था, उसमें एक बूंद भी पानी नहीं था। उसके लगभग 30 मिनट बाद एक और फायर ब्रिगेड आई, जिसका ऊपर से सिस्टम ख़राब था। उसके बाद तीसरी फायर ब्रिगेड आई और इनमें कोई भी फायर फाइटर नहीं थे जो उस प्रकार से वो कर सकते। आग काफ़ी भीषण थी, मोहल्ला के लोगों ने काफ़ी सिलेंडर चलाए, काफ़ी बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग मैंने बुझ ही नहीं पा रही थी। आज करीब 3:30 बजे थाना बीना में सूचना मिली समाधान हॉस्पिटल में आग लग गई है, जिस पर से नगर पालिका फायर ब्रिगेड संपर्क किया गया था, उनको मौके पर पहुंचाया गया। बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा, आग बुझाने में लोगों का सहयोग रहा, आग बुझाई गई और आग के दौरान मेडिकल में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। अब ये जाँच का विषय है कि आग कैसे लगी। वो किसी कारण की वजह से ड्राइवर को पता नहीं था कि उसमें पानी है या नहीं है, वो जल्दी में उसको ले आया और बाद में फिर दूसरी फायर ब्रिगेड बुलाई गई और फिर आग पे काबू पाया गया। अब ये तो अनुमान लगाना मुश्किल है कितना की आग लगा, क्योंकि काफ़ी कीमती सामान भी था, मेडिकल थे, फ्रिज था और अन्य सामग्री थी।